दोस्तों एक्सेल में एज कैलकुलेटर किस तरह से बनाते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मैं यहाँ पर एक रैंडम सी डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी डेट लिखनी जहाँ तक आपने एज कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पर टुडे का फार्मूला लगाकर आज की डेट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हमने इन दोनों डेट्स के दरमियान डिफरेंस मालूम करना है कि कितने सालों का है, कितने महीनों का है और कितने दिनों का है। तो सबसे पहले हम साल निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला है बराबर डेटेड इफ, उसके बाद पहली डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाकर दूसरी डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में वाई लिखकर इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये सालों का डिफरेंस आ चुका है, यानी इन दोनों डेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 31 सालों का है, यानी जो एज है वो 31 साल है। अब हमने मंथ्स और डेज भी निकालने हैं, तो इसके लिए भी जो हमने फार्मूला यहाँ पर लगाया है वही लगेगा, इसलिए हम फार्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। लेकिन कॉपी करने से पहले यहाँ पर जो हमने ये दोनों सेल सेलेक्ट किए फार्मूले में, इनको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक किस वजह से करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको लॉक कर देता हूँ F4 प्रेस करके, इसको भी क्या करता हूँ लॉक करता हूँ F4 प्रेस करके, फिर इंटर प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों इन सेल्स को हमने लॉक इस वजह से किया है कि जब हम फॉर्मूले को नीचे कॉपी करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है वो गलत नहीं होगा। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी 31 आया है। तो हम इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर हमने वाई लिखा था, जहाँ पर हमने ईयर्स जो है वो निकाले थे, तो मंथ्स जब आपने निकालने तो आपने यहाँ पर लिखना है YM, उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ्स भी आ चुके हैं, अब हमने यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है वही फार्मूला, इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डेज वाले फार्मूले में भी थोड़ी सी चेंजिंग होगी, तो यहाँ पर हमने YM लिखा है, तो डेज वाले फार्मूले में आपने MD लिखना है और इंटर प्रेस कर देना है। ले दोस्तों एज आ चुके हैं 31 साल 10 महीने और 12 दिन, यानी इन दोनों डेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 31 साल 10 महीने और 12 दिनों का है। अब हमने इस एज को वर्ड्स में लिखना है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने बराबर लगाना है, उसके बाद आपने जो ईयर्स हमने निकाले हैं वो सिलेक्ट करने और एंड का साइन लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, स्पेस ईयर्स लिखना है, ठीक है, स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा बंद करने, उसके बाद फिर एंड का साइन, फिर आपने मंथ सेलेक्ट करने, फिर एंड का साइन, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, यानी इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद स्पेस, फिर मंथ्स, ठीक है, आपने लिखना है यहाँ पर मंथ्स, उसके बाद स्पेस और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर आपने यानी यहाँ पर एंड का साइन लगाना है, डे सेलेक्ट करने, फिर एंड का साइन, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, यहाँ पर लिखना है डेज, स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा। तो एज को वर्ड्स में लिखने के लिए ये फॉर्मूला आपने लगाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर एज जो है वो वर्ड्स में भी आ चुकी है, आपका एज कैलकुलेटर रेडी है। अब आप जैसे ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे तो यहाँ जो जो एज कैलकुलेटर है ये डेट जो है वो चेंज कर देगा। जो फॉर्मूले लग चुके हैं ये ऐसे ही लगे रहेंगे, जस्ट आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो आपको जो एज है वो मिल जाएगी उसी वक्त। देखिए जैसे ही मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज की तो यहाँ पर जो डेट है एज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।